सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल 11 12 के। सो मैं आज का जो पहला एक्सपेरिमेंट 12th का स्टार्ट करने वाला हूं, तुम्हारे जो बोर्ड में आता है वो प्रैक्टिकल, सो थर्मोकेमिस्ट्री। क्लियर? सो थर्मोकेमिस्ट्री गाइस टोटल रिलेटेड है हमारे हीट से, और हीट कैसे चार्ज होता है, कैसे एक्सचेंज होता है, वही एक्सचेंज कैसे होता है, वही हम एक सॉल्ट के थ्रू देखने वाले। तो गाइस जो मैं सॉल्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो कॉपर सल्फेट। सो बेसिकली इसका एम हमारा यही होता है कि टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? तो हम जो कॉपर सल्फेट यहाँ पे गाइस यूज करने वाले वो हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो हाइड्रस मॉलिक्यूल से, मतलब उसमें 5H2 है। क्लियर? सो अभी हम वही प्रैक्टिकल यहाँ पे देखने वाले। सो गाइस उस प्रैक्टिकल को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पॉलिथीन बॉटल मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और इस पॉलिथीन बॉटल के साथ गाइस हमें एक और सब्सटेंस लगने वाला है, थर्मामीटर। क्लियर? तो थर्मामीटर लगने वाला है, और जो गाइस मैं जो यहाँ पे सॉल्ट यूज करने वाला हूँ वो सॉल्ट है हमारा कॉपर सल्फेट। तो हम वाटर लेंगे और कॉपर सल्फेट में इसको डिसॉल्व करेंगे, वाटर को कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और देखने वाले कि क्या थर्मामीटर से चेक करके देखने वाले कि क्या हीट इवॉल्व होता है या फिर हीट एब्सॉर्ब होता है। अगर हीट इवॉल्व होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शनों का, अगर हीट एब्सॉर्ब होता है तो गाइज वो हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर? सो यही दो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। तो गाइज आप फटाफट कमेंट कीजिए कि अगर मैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टलिन मॉलिक्यूल लेता हूं जिसमें 5H2 होता है तो क्या हीट एब्सॉर्ब होगा या हीट इवॉल्व होगा। तो प्रैक्टिकल के थ्रू आज हम उसको देखने वाले हैं। सो गाइस मैं 25 ml अभी जो मेजर करने वाला हूँ वो वाटर मेजर करने वाला हूँ मेजरिंग सिलेंडर से। सो ये हमारा हो गया 25 ml, मैंने इसमें वाटर ले लिया, और मैं इस 25 वाटर को इस पॉलीथीन बॉटल में क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। अब मैं थर्मामीटर लूंगा और इसका टेम्परेचर मेजर करूंगा ये वाटर का। तो बेसिकली जो वाटर है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर ही है, तो रूम टेम्परेचर ही आएगा। रूम टेम्परेचर लाइक 26 to 27 या फिर 28, सर्दियों के टाइम में 25 तक भी चले जाता है। तो अब मैं इसको कुछ टाइम तक होल्ड करूंगा और देखेंगे कि मैं इसका टेम्परेचर अभी देखने वाला हूँ। तो जैसे मैं इसको निकालूंगा, तो गाइस इसका टेम्परेचर चल रहा है 29 डिग्री सेल्सियस। कितना चल रहा है मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, 29 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो ये हमारा हो गया इनिशियल टेम्परेचर। तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में लिखा होता है इनिशियल टेम्परेचर, तो ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया हमारा 29, जिसको हम T1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? T1। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉइंट नंबर 2, जहां पे हमें क्या करना है पॉइंट नंबर 2 में, कि हमें ऐड करना है 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इस पॉलीथीन बॉटल। नंबर 3 हमारा है 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट हमें वेट करना है। तो मैं फटाफट कॉपर सल्फेट, चलो हम फटाफट वेट करते हैं 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। सो गाइस ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, इसको हम लेने वाले हैं हमारे जो टेस्ट बुक में, हमारे जो हैंडबुक में बोला है 0.5 ग्राम के। तो मैं फटाफट 0.5 ग्राम इसको मेजर करता हूँ। सो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ रीडिंग दिखा रही होगी आपको, तो अभी हम जब इसको रखेंगे तो कुछ ना कुछ ये रीडिंग दिखाती है, हमें इसको टेयर करना पड़ेगा। ये टेयर की बटन है, मैं जैसे इसको टेयर करूंगा ये जीरो हो जाएगा। अब मैं इसमें 0.5 क्या करने वाला हूँ, ऐड। सो गाइज ये मैंने 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने वेट कर लिया है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, उस पॉलीथीन बॉटल में डाल के डिसॉल्व करने वाला हूँ बस, और उसका टेम्परेचर नोट करूंगा, वो हमारा हो जाएगा T2। सो गाइज ये मेरे पास कॉपर सल्फेट है। ये अब इस कॉपर सल्फेट को मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉलीथीन बॉटल में ट्रांसफर करने वाला हूँ। सो आप देख पा रहे हैं इस कॉपर सल्फेट को मैं इस पॉलीथीन बॉटल में इजिली क्या कर दूंगा ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर? और ये गाइस आपको बहुत तेज करना होता है क्योंकि ये इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो गया है। तो जैसे गाइस आप इसको डिसॉल्व करोगे तुरंत इसको बंद कर देना है यहाँ पे, और इस थर्मामीटर को इसके अंदर थोड़ा सा इसको चेक कर देना है, और तुरंत गाइस इस थर्मामीटर को इसमें क्या कर देना है, एंटर कर देना है। अब गाइस जैसे आप इस थर्मामीटर को इसमें एंटर करोगे तो ये कुछ ना कुछ टेम्परेचर अभी यहाँ पे दिखाने वाला है। तो मैं अभी चेक करूंगा ये टेम्परेचर। सो मैं इसका टेम्परेचर चेक करता हूँ। तो पहले 29 था, अभी देखते कितना आ रहा है। सो अभी ये गाइस आप देख पा, आप तो नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 27 पे जा चुका है। कितने पे जा चुका है? 27। तो लगभग ये 2 डिग्री कम दिखा रहा है। लगभग ये क्या कर रहा है यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर
कम दिखा रहा है। सो चलो, जो टेम्परेचर कॉपर सल्फेट का जो डिसॉल्व करके नोट करोगे वो तुम्हारा हो जाएगा T2, क्लियर। और तुमको क्या करना रहेगा बाद में, तुम्हें तुम्हारे पास T1 होगा, T2 होगा और तुम्हें डेल्टा T निकालना होगा। तो डेल्टा T कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1 मतलब जो तुम्हारा वाटर का टेम्परेचर आया रहेगा वो तुम्हारा T1 है और जो वाटर और जो कॉपर सल्फेट जो डिसॉल्व हुआ रहेगा वो तुम्हारा क्या है, T2 है। तो T2 माइनस T1 करोगे तो तुम्हें जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पे देखने वाले और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्लियर। सो अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब हीट एब्सॉर्ब हो रहा है और प्लस में आता है तो इसका मतलब हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि आपने देखा हीट क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है, क्योंकि हमारा पहले 29 डिग्री सेल्सियस था और अब कितना आ रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पानी का हीट था वो कॉपर सल्फेट ने क्या किया, एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से अभी जो T2 आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, T2 हमारा बेसिकली आ रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, हीट एब्सॉर्ब हुआ है, हीट की कमी हुई है, क्लियर। तो हम फटाफट इसका कैलकुलेशन करेंगे जो कि आपको इस सामने मेरे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो Q = क्या दिख रहा है, m s डेल्टा T, क्लियर। तो अब सारी वैल्यू वहां पे लिखी हुई है, आप देख रहे हैं 25.5 ये सब लिखा हुआ है। तो आपको बस डेल्टा T की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है, क्लियर। अब जैसे आप डेल्टा T की वैल्यू पुट करोगे आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी और गाइज आप लास्ट में क्या करना है, आपको Q की वैल्यू को पुट करना है और उसको 2 × 10⁻³ जो वहां से मोल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ CH4 आया है उससे डिवाइड कर देना, आपकी वैल्यू आपका आंसर सॉरी आपका डेल्टा एच जो है वो जूल में आ जाए। अब आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेल्टा एच में सॉरी अब आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, किलो जूल में। तो किलो जूल में करने के लिए क्या करते हो, 10 से डिवाइड 10⁻³ से क्या करोगे, डिवाइड। और जैसे ही 10⁻³ से डिवाइड करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या जो लास्ट है, लास्ट में जो लिखा हुआ है एंथाल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्लियर। तो उसको आपको प्लस में दिखाना होगा, किसमें दिखाना होगा, प्लस में, क्योंकि जो साइन कन्वेंशन होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन का वो किसमें होता है, प्लस में होता है, और एक्सोथर्मिक का किसमें होता है, माइनस में। लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकल क्या शो कर रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।